हेलो, मैं क्रिएटिव एंड अमेजिंग लर्नर्स एंड आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश कि आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो बेसिकली आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ करके इजिली सिलेक्शन लेना है। जैसा कि थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा, DSSB, TGT, PGT या फिर चंडीगढ़, आसाम, UP TGT, PGT, BPSC, बिहार एस्टेट। इंडिया में अगर आप ड्रॉइंग टीचर बनना चाहते हैं, एक परफेक्ट ड्रॉइंग टीचर, एक बात तो क्लियरली आप क्लियर रखिएगा कि ड्रॉइंग टीचर आपको बनना है इन फ्यूचर, तो प्रैक्टिकल एंड थ्योरी इज वेरी मैंडेटरी, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल स्ट्रांग रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिकल के थ्रू ही तो उनको आपको फ्यूचर आर्टिस्ट बनाना होगा, ये तो वो परफेक्ट फ्यूचर टीचर बनेंगे। चलिए तो बेसिकली स्टार्ट करती हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कंप्लीट फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, तत्वों के सिद्धांत और संयोजन के सिद्धांत, जितने भी मटेरियल्स होते हैं आर्ट मटेरियल्स लाइक विविध जिनको कहा जाता है, वो भी कवर अप करना है। आर्ट मटेरियल को भी पढ़ना है, स्पेशली मेथड्स एंड मटेरियल में बहुत सारे मटेरियल्स आते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर आप सारे प्रैक्टिकली यूज कर रहे होते हैं BFA में, तो MFA, BFA या फिर BFA में प्रैक्टिकली एज लाइक पेंसिल्स की हिस्ट्री हो गई, चाकोल की हो गई, एलर, वाटर कलर, ऑयल कलर, पेस्टल्स कलर एक्सेट्रा, मेनी मोर्स। ठीक है, नोट्स तो ऑलरेडी आपको मिल गए, तो मेरे नोट्स के हेल्प से फंडामेंटल्स स्ट्रांग कीजिएगा, मेथड्स एंड मटेरियल स्ट्रांग कीजिएगा, देन कम्प्लीटली इंडियन आर्ट, प्री हिस्टोरिक टू कंपनी स्कूल एंड ऑल्सो बंगाल स्कूल लाइक प्री हिस्टोरिक एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, उसके बाद कम्प्लीट केव्स, जोगीमारा, अजंता, बाघ, बादामी, सतनवासा, सिगिरिया, एलिफेंटा, एलोरा कवर अप करने के बाद फिर मिडल एज की स्टार्टिंग होती है, पाल एंड अभ्रंश स्कूल, ये अच्छे से कवर करने के बाद फिर ईरानी शैली, मुगल एंड राजस्थानी, यहाँ तक बहुत अच्छे से पढ़कर फिर राजस्थानी के बाद एंड ऑफ द टाइम आपको पहाड़ी देखना है, पहाड़ी के बाद कंपनी स्कूल कंप्लीट। कंपनी स्कूल के ही PDF में आपने देखा होगा जो मैंने मर्ज PDF आपको शेयर किया है, उसके लास्ट में कंपनी स्कूल में ही आपको देखने को मिल जाएगा तंजौर, मैसूर, कालीघाट, उड़ीसा, ये छोटे छोटे से आर्ट मूवमेंट्स। देन फिर आपका बंगाल स्कूल शुरू होता है, बंगाल स्कूल दैट मीन्स इंडिया में मॉडर्न टाइम ड्यूरेशन का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, लाइक भारत में हमारे आधुनिक कला की शुरुआत हो जाती है, जिनको कहा जाता है बंगाल स्कूल 1895 टू 1920 समथिंग टाइम था। तो बंगाल स्कूल भी अच्छे से आपको कवर करना है, क्योंकि वहीं से प्रॉपरली आर्टिस्ट शुरू हो जाते हैं। आर्टिस्ट का कवर अप करने के बाद आपको सारे ग्रुप्स कवर करने हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला ग्रुप है यंग तर्कश ग्रुप, देन कोलकाता ग्रुप, उसके बाद पैक ग्रुप, दिल्ली शिल्पी चक्र ग्रुप 1819, बड़ौदा ग्रुप, बॉम्बे ग्रुप, जितने भी छोटे छोटे से और ग्रुप हैं लाइक खटमल ग्रुप हो गया, और आपके राजस्थान के कुछ पैक ग्रुप थे, एक श्रीनगर का पैक ग्रुप था, तो सभी को बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। होप सो कि ये इंडियन आर्ट आपका बहुत स्ट्रांग हो चुका होगा। मैंने इतना ज्यादा आपको पेड क्लास में रिविजन करा दिया है मल्टी टाइम और यूट्यूब चैनल पर भी। सेकेंडरी मैंने आपको नोट शेयर किए मूर्तिकला, तो मूर्तिकला के एवरी पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, जितने भी मूर्तिकला के मेथड्स एंड मटेरियल है, फंडामेंटल्स ऑफ स्कल्पचर, मूर्तिकला के तत्वों के सिद्धांत, सब्स्ट्रक्टिव और एडिटिव के बारे में, क्या होता है सब्स्ट्रक्टिव और एडिटिव, क्या होता है सब्स्ट्रक्टिव दैट मीन्स चीजों को इंडिपेंडेंट, फॉर एग्जाम्पल आपको मेरा स्कल्पचर्स बनाना है तो एक स्टोन लेना है, पहले उसमें ड्रॉइंग करनी है, देन एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देना है, वो आपको सब्स्ट्रक्टिव में एड ऑन हो जाएगा। और एडिटिव क्या होता है, एक जीरो से, एक शून्य से चीजों को जोड़ जोड़ कर एड ऑन करके मूर्तियों को रिप्रेजेंट करना। फॉर एग्जाम्पल एक बेस्ट स्कल्पचर्स आपको देखने को मिल सकता है, कौन से वाले स्कल्पचर्स है, मातृ देवी, मदर गॉडेस जिनको कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्कल्पचर, क्लियर। और एडिटिव भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। अब ये होता क्या है, कैसे आप पहचानोगे सब्स्ट्रक्टिव और एडिटिव, लाइक कार्विंग जो है, कार्विंग में एक पत्थर लेते हैं, ड्रॉइंग करते हैं, एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देते हैं, वो आपका हो गया सब्स्ट्रक्टिव। अब एडिटिव जिनको जोड़ा जाता है लाइक कास्टिंग, असेंबलाज, ठीक है, क्ले मॉडलिंग, ये सारी चीजें आपको एड ऑन करनी होती है, मतलब इंक्लूडेड किया जाता है एडिटिव में। एडिटिव का मतलब वैकल्पनात्मक, सब्स्ट्रक्टिव, योग्यात्मक, क्लियर। देन फिर आपको पढ़ना होगा ब्रॉन्ज कास्टिंग है 3 प्रोसेस, सैंड कास्टिंग, डोगरा कास्टिंग, लॉस्ट फिक्स टेक्निक, ऑलरेडी हमने ये सब कुछ आपको पढ़ा रखा है। फिर मूर्तिकला की जो प्रॉपर हिस्ट्री शुरू हो जाती है लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन के सर्टेन 18 स्कल्पचर्स मिले थे, प्रागैतिहासिक के विनस ऑफ विलिंड्रा
ऑल्सो वेरी पॉपुलर, कुछ कुछ सर्टेन है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं तो वैदिक एज में ऐसा कुछ ज्यादा खास तो नहीं स्कल्पचर्स वगैरह मिले हैं, बट हाँ उनके बाद आप पढ़ रहे होते हैं मौर्य, शुंग, सातवाहन, कुषाण, गुप्त, प्रतिहार, चोल, चालुक्य और कर्नाटका के जितने हो गए, दक्षिण भारत के शिल्प हो गए। टोटल 28 चैप्टर, मैंने चैप्टराइजेशन 18 पार्ट में उस पीडीएफ को डिवाइडेशन किया, तो उन 18 पीडीएफ को आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर अप करना है, राइट। यहाँ तक जब आपने स्ट्रॉन्ग कर ली है अपनी थ्योरीज, थोड़ा प्रोसेस और आगे बढ़ोगे, अब आपको वेस्टर्न आर्ट की तरफ जाना है। तो वेस्टर्न आर्ट में मेरे अपने पीडीएफ में देखिए, वेस्टर्न आर्ट चैप्टर इट्स नॉट टू मच, बहुत ज्यादा नहीं है, बट हाँ मैंने उनको छोटे छोटे पॉइंट्स में टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइडेड करके पूरे 50 लेसन बनाए हैं, ठीक है, 50 लेसन। अब आप सोचेंगे मैम आपने इतने ज्यादा लेसन क्यों बना दिए, क्योंकि आपको पता है मेरे नोट्स में पिक्चर्स भी होते हैं, जो भी थ्योरी पढ़ते हैं, जिस भी कलाकार को पढ़ते हैं उन कलाकार की पेंटिंग्स एड ऑन होती हैं, उनसे एक रेफरेंस, बेसिक रेफरेंस पता चलता है, अच्छा आप इन कलाकार के बारे में नॉलेज ले रहे होते हैं, इसलिए मैंने इनको इतने टुकड़ों में बांटा है। एक मर्ज पीडीएफ भी है, वो भी आपको मिल गया होगा। तो ये सारे कंटेंट होप्स आपको मिल चुके हैं, अब बस आपको अच्छे तरीके से अपनी थ्योरीज को स्ट्रॉन्ग करना है। इंडियन आर्ट, वेस्टर्न आर्ट, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर, लाइक भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला का इतिहास, यूरोप की चित्रकला और मूर्तिकला का इतिहास, इंडियन आर्ट कंप्लीट, वेस्टर्न आर्ट कंप्लीट, मूर्तिकला और स्थापत्य कला कंप्लीट। फिर आपको एक एक्स्ट्रा मैंने पीडीएफ दे रखा है एस्थेटिक का। एस्थेटिक मींस सौंदर्य शास्त्र, इंडियन सौंदर्य शास्त्र, जो भारतीय सौंदर्य शास्त्र है वो तो मेरे नोट्स में है, आपको यूरोप के सौंदर्य शास्त्र के भी कंप्लीट जितने भी फेमस फिलोसफर्स हैं सबके बारे में नॉलेज लेना है। पूरे मर्ज पीडीएफ में एक में ही एड ऑन करती हूँ, भारतीय और यूरोपियन दोनों। फिर एक मेरा पीडीएफ आपको मिला है छापा कला के रिगार्डिंग, जिनको प्रिंट मेकिंग कहा जाता है, छापा कलाकार के रिगार्डिंग। देखिए छापा कला इज वेरी मैंडेटरी, 4 प्रोसेस होते हैं, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, रिलीफ, इंटाग्लियो, प्लेनोग्राफी एंड सेरीग्राफी। रिलीफ में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, वुड कट, लिनो कट, स्क्रैपर बोर्ड। इंटाग्लियो में 7 प्रोसेस होते हैं, प्लेटिंग, ग्रेविंग, ड्राई पॉइंट, एचिंग, एक्वाटिंट, मेजोटिंट, विस्कोसिटी एंड कोलोग्राफी। फिर उसके बाद आपका आ जाता है थर्ड वन, जो बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, जिनको 2-3 नामों से जाना जाता है, प्लानोग्राफी ऑल्सो कॉल्ड एट ओलियोग्राफी एंड लिथोग्राफी, एंड लास्ट वन इज सेरीग्राफी इज इंडिपेंडेंट। अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाले, इनकी अंदर की पूरी डिटेल थ्योरीज, किस किस तरह से इस प्रोसेस को किया जाता है, कौन कौन से प्लेट्स यूज किए जाते हैं, कौन से रोलर्स यूज किए जाते हैं, सब कुछ आपको पढ़ के जाना है। इवन इंक्लूडेड प्रॉपर प्री हिस्ट्री, जितनी भी उनकी प्री हिस्ट्री है सबको कवर अप करना है। थर्ड वन इज वेरी मैंडेटरी, मैंने आपको एक मूर्तिकला का पीडीएफ दिया है, मूर्तिकार स्पेशली, जितने भी भारतीय मूर्तिकार और यूरोपियन मूर्तिकार हैं वो पीडीएफ बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, और आपके पास बचे क्या एक्स्ट्रा में। तो ये सारी चीजें जब आप अच्छे तरीके से पढ़ लोगे, तो मैंने एक कला विद्यालय का नोट्स आपको दिया है, आर्ट कॉलेजेस, आर्ट हब्स और साथ के साथ आर्ट गैलरीज, इन सभी को अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा। होप्स हो कि आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे कि आपको एग्जैक्ट क्या क्या पढ़ना है। अगर आपने इतने पॉइंट्स कवर कर लिए अप्लाइड आर्ट्स वगैरह, यूजीसी नेट के पूरे सिलेबस को कवर अप कर रहे हो आप, तो डेफिनेटली आप इंडिया के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठने हैं, कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, दैट मीन्स कि आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया। देखिए नोट्स वगैरह सभी के पास होते हैं, ठीक है, कौन कितना मेहनत कर रहा है, कितनी कंटिन्यूटी बना के आप रिविजन कर रहे हैं, दैट इज वेरी मैंडेटरी। जैसा कि आपने देखा होगा मेरे प्रीवियस स्टूडेंट जो है, क्विज 125 से 125, 122, 123 नंबर उनका सही होता है, क्योंकि वो पिछले एक साल से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, और इन फ्यूचर भी वो बहुत अच्छा करेंगे। तो आप लोग अगर अभी से भी स्टार्ट नहीं किए पढ़ना, तो प्लीज अब शुरू कर दें, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं बचा है, जस्ट ओनली 2 मंथ आर लेफ्ट। 2 महीने के बाद आपके कोई हर एक एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। अगर आपने DSSB का फॉर्म फिल किया है तो ऑलरेडी आपको पता है चंडीगढ़ का, तो आपको 27 का एग्जाम है, 22 और 27 में 2 से है ना, पेपर फर्स्ट का 22 है और 27 में आपको फाइन आर्ट्स का है। देन DSSB TGT हो गया, DSSB PGT हो गया, एंड ऑल्सो इंक्लूडेड BPSC, UPTGT, PGT सभी के एग्जाम बहुत जल्दी कंडक्ट होने वाले हैं। सो बी प्रिपेयर, सभी लोग अपनी स्टडी कंटिन्यूअसली बिल्कुल स्पीडली बहुत अच्छे तरीके से रिविजन करना शुरू कर दीजिए। आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगी होंगी तो एक प्यारा सा फीडबैक जरूर कीजिएगा, ठीक है, आपके फीडबैक का मैं वेट करूंगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।